हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सैमसंग की तरफ से आने वाले एक नए प्रोडक्ट का, जो कि होने वाले सैमसंग फ्रेम टीवी 2020। हाँ जी दोस्तों, जो सैमसंग फ्रेम टीवी 2020 होने वाला है, बहुत ही जल्द सैमसंग इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है और ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया और नई स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च होगा। तो आगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी सैमसंग फ्रेम टीवी 2020 की स्पेसिफिकेशंस और इसी की लॉन्च को लेकर बात। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सैमसंग है, वो अपने इस सैमसंग फ्रेम टीवी 2020 को इंडिया में लॉन्च करने की बहुत ही जल्दी जल्दी तैयारी कर रही है और ये उम्मीद है कि ये इंडिया में आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। और दोस्तों, जो सैमसंग फ्रेम टीवी 2020 है, फ्लिपकार्ट पर लिस्ट भी कर दिया गया है एक नोटिफाई बटन के साथ में। और दोस्तों, ये जो सैमसंग फ्रेम टीवी 2020 होने वाला है, ये आपको फ्लिपकार्ट पर ही अवेलेबल होगा। वहाँ जाकर आप इसे बाय कर सकेंगे जब भी ये लॉन्च होगा। और दोस्तों, कंपनी ने इससे पहले सैमसंग फ्रेम टीवी 2020 जो अब लॉन्च करने जा रही है, इससे पहले एक सैमसंग का फ्रेम टीवी 2019 में लॉन्च कर दिया था। वो जो उसकी प्राइस थी 2019 वेरिएंट की, उसकी प्राइस थी 84,990 रुपीज़। लेकिन कंपनी इस सैमसंग फ्रेम टीवी को अब 2020 में दोबारा लॉन्च करने जा रही है, जो कि होगा बहुत ही नई और बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस सैमसंग फ्रेम टीवी 2020 की स्पेसिफिकेशंस की। और ये जो 2020 मॉडल होने वाला है, इसकी जो स्पेसिफिकेशंस होने वाली है, ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। दोस्तों, जो टीवी की खास बात है वो ये है कि इस टीवी का जो फ्रेम नाम है सैमसंग फ्रेम टीवी, ये क्यों दिया गया है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों का मान लीजिए दीवार पर, वॉल पर टीवी लगा हुआ है और आप लोग उस टीवी को देख रहे हैं, तो आप लोग उस टीवी को देख रहे हैं, आप लोग टीवी देखते देखते या तो कमरे से बाहर चले जाते हैं कुछ काम से, अपने रूम से बाहर चले जाते हैं और वो टीवी ऑन मतलब चालू ही छोड़ देते हैं, उसको बंद नहीं करते, तो वो टीवी के अंदर जो सेंसर लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक देख लेगा कि आप आसपास कमरे में कहीं पे नहीं है, आप कमरे में नहीं बैठे, आप कमरे से बाहर चले गए, तो वो अपने आप एक फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, जो टीवी की खास बात यह है, इसीलिए इस टीवी का ये जो नाम पड़ा है सैमसंग फ्रेम टीवी, ये इसीलिए पड़ा है कि आप लोग रूम से बाहर हो गए तो ये अपने आप एक फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा कि ये जो सामने वॉल पर एक टेलीविज़न लटका हुआ है कि ये एक फ़ोटो फ्रेम। तो ये इस टीवी की एक बहुत ही ज़्यादा खास बात है। दोस्तों, जो टीवी की दूसरी खास बात है वो ये है कि जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप लोग कमरे में नहीं होते तो ये फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये फ्रेम में कन्वर्ट होगा तो टीवी अपने आप ऑफ भी होगा, क्योंकि टीवी आप चल रहा था, आप रूम से बाहर चले गए और ये फ्रेम में कन्वर्ट हो गया तो टीवी ऑफ हो गया। तो ये टीवी ऑफ होने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी खींचता है, वो भी बंद हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी आपकी सेव होती है। तो यार, इसमें जो ये सेंसर है ना, ये ऑटोमेटिक ऑफ होने का ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा कमाल है, क्योंकि कई बार हम जो रूम से एकदम बाहर चले जाते हैं, हमें कोई काम वगैरह याद आ जाता है तो हम टीवी को ऑफ करना भूल जाते हैं, तो ये टीवी अपने आप ऑफ होकर एक फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी हद तक सेव हो जाती है। दोस्तों, इस सैमसंग फ्रेम टीवी 2020 में एक और खास बात है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसर लगा हुआ है, जिससे कि होता है क्या है, जैसे कि आप अगर रूम में बैठे, जिस रूम में टीवी लगा हुआ है उस रूम की लाइट तेज है, मीडियम है, कम है, जैसी भी है, ये अपने आप ही टीवी उसी हिसाब से अपनी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेता है, जिससे कि आपकी आंखों पर कोई फालतू का दबाव नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप कम लाइट बंद करके बैठे होगे, टीवी की रोशनी तेज होगी तो आपकी आंखों पर ज़्यादा जोर पड़ेगा, तो ये ऐसा नहीं होने देगा, अपने ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेता है और आपकी आंखों पर कोई भी फालतू का जोर वगैरह नहीं पड़ता, तो इससे आपकी आंखें भी ख़राब होने से बच सकती है। दोस्तों, जो सैमसंग फ्रेम टीवी 2020 में जो इंटेलिजेंस फीचर दिया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर है, मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा, क्योंकि इससे हमारी आई साइट काफ़ी हद तक वीक होने से बच सकती है। और दोस्तों, जो इस टीवी का टीज़र फ्लिपकार्ट पर
जारी किया गया है। वहाँ पर एक 30 सेकंड की छोटी सी वीडियो भी दी गई है इसी सैमसंग फ्रेम टीवी 2020 की, जिसमें इन सब फीचर्स के बारे में दिखाया गया है बिल्कुल शॉर्ट में। दोस्तों जो सैमसंग फ्रेम टीवी 2020 इसकी खास बात तो यही है, जो कि इसके नाम से भी पता लगती है कि ये ऑटोमेटिक फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और कमाल का फीचर लगा मेरे को, कि इससे इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट नहीं होती और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा और कूल भी लगता है ये फीचर। तो दोस्तों यार बस यही था हमारा सैमसंग फ्रेम टीवी 2020, जो कि बहुत ही जल्द इंडिया में हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतनी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके वीडियो को शेयर भी कर देना। फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।